नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की लहर अपने साथ कई जिंदगियों को तो लेकर जा ही रही है, साथ ही देश के भविष्य को भी अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है, क्योंकि कोरोना की लहर चाहे कोई भी क्यों ना हो, बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोरोना की शुरुआत हो या डेल्टा वेरिएंट, स्कूल कॉलेज और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहीं अब साउथ अफ्रीका से निकले ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी यही हाल है। भारत में रविवार शाम तक ओमिक्रॉन ने 21 मामले की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद बिहार में भी अब अलर्ट मोड ऑन कर दिया गया है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने राजधानी पटना के सभी प्राइवेट स्कूल के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण मूल्यांकन की व्यवस्था के विकल्प लागू रखने को कहा गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अहम दिशा निर्देश भी जारी किया है, क्योंकि यह साल का आखिरी महीना है। ऐसे में नए साल के साथ स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इससे पहले अब कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसका पालन करना अब अनिवार्य होगा। कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अभी से ही सतर्कता बरती जाएगी। शिक्षण संस्थानों के संचालन में कोरोना अनुकूल व्यवहार संबंधी जारी मानक संचालन प्रक्रिया को यथावत लागू रखा जाए। नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखकर सभी छात्र छात्राएं और विद्यालय के कर्मियों के लिए मास्क का उपयोग और हैंड सैनिटाइजेशन का अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण मूल्यांकन की व्यवस्था के विकल्प को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जाए। ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था के तहत यह आवश्यक होगा कि विद्यालय में व्यस्त सभी व्यस्क कर्मियों को कोरोना टीके का दोनों डोज लेने के बाद ही विद्यालय परिसर की अनुमति दी जाए। हर दिन विद्यालय परिसर वाहनों को सैनिटाइज अवश्य किया जाए। विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के जरा भी तबियत खराब होने की शिकायत पर उन्हें ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था से अलग रखा जाए। दूसरी लहर का दंश झेल चुके लोग अब कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर काफी डरे डरे नजर आ रहे हैं, और आए भी क्यों ना, कोरोना की दूसरी लहर में जिस परिवार ने कोरोना की दूसरी और पहली लहर में अस्पताल के चक्कर लगाए होंगे या किसी अपने को खोया होगा, वो कोरोना के बदलते रूप का शिकार ना बने इस बात की ही कोशिश करेंगे। और अब तक तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस नए वेरिएंट को लेकर नहीं डरने की सलाह दी है, लेकिन वैक्सीन का दोनों डोज सभी से लेने की अपील भी की गई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विभाग पूरी तरह से सतर्क है। राज्य में नए वेरिएंट को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के पालन को सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिसके बाद आप भी यही कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और मास्क का प्रयोग जरूर करें, ताकि तीसरी लहर से हम अपने आप को और अपने परिवार को बचा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।